गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन और फाइनल अकाउंट का देख लेते हैं किस तरह सारी पोस्टिंग की जाती है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या क्या चीज़, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हमें दिया हुआ। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक। एक ट्रायल बैलेंस दे दी है, डेबिट एंड क्रेडिट उसके बैलेंसेज दे दिए हैं, मशीनरी, डेटर्स, ड्रॉइंग, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैरेज, परचेज, बेजिस, बैंक, स्टॉक, कैपिटल, क्रेडिटर्स, सेल्स, और लास्ट में दे दिया क्लोजिंग स्टॉक वर्स ₹300। अब हम लोग पहले सबसे पहले बात करेंगे कौन सा आइटम कहाँ पोस्ट होगा। मशीनरी हमारी एसेट्स होती है, तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड। ड्राइंग कैपिटल से हम लोग लेस करते हैं। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पीएल अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट। कैरेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक एसेट्स है, एसेट साइड। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, अब हम लोग एक एक आइटम पोस्ट करते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पोस्ट करेंगे, एक तरफ से आइटम पोस्ट करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने तीन फॉर्मेट बना लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम लोग पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए था स्टॉक। स्टॉक दिया हुआ 2000, हमने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 2000। उसके बाद हमें दिखाना होता है परचेज। परचेज हमने सेलेक्ट किया 9500, टू परचेज 9500, टू बेजेस 5000, टू कैरेज 150। क्रेडिट साइड में हमारा जाएगा बाय सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। बाकी कोई ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम नहीं था, नहीं पोस्ट किया हमने। टोटल क्या इस बार क्या हुआ कि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 16,650, और क्रेडिट साइड का हमारा आएगा 14,700। तो हमारा यहाँ पे क्या कैलकुलेट हुआ, ग्रॉस लॉस कितने का, 1,850 का। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो हम इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते। अब हमारा ग्रॉस लॉस है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने ढूंढे वो एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। पहला आया रेंट, टू रेंट अकाउंट 450, सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, ठीक। उसके बाद हमने देखा कोई और एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं दिया हुआ, हमने टोटल लिया। क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम नहीं आया तो हमारा टोटल आया 2500। ये हमारा निकल के आ गया बाय नेट लॉस, ठीक। 2500 नेट लॉस कैलकुलेट हो गया, यानी कि अब हमारा ट्रेडिंग और पीएल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के आइटम पोस्ट करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ मशीनरी, हमने पोस्ट कर दिया। मशीनरी एसेट्स है तो एसेट साइड में 3500। डेटर्स, डेटर्स के कॉलम में पोस्ट कर दिया। ड्रॉइंग कैपिटल से हमें लेस करनी, तो हमने सबसे पहले लिखा कैपिटल लेस ड्रॉइंग 900। रेंट आएगा नहीं, पीएल अकाउंट में जाता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। बेजिस ट्रेडिंग अकाउंट। फिर दिया हुआ बैंक, हमने क्रेडिट एसेट साइड में लिखा बैंक 1500। स्टॉक हो गया है। कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000 लिखा, वैल्यू ड्रॉइंग की माइनस की, आया हमारा 9,100। क्रेडिटर्स स्पेस छोड़ के, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस का एडजस्ट करना है, क्रेडिटर्स को 1400 सेल्स हो चुकी है। अब क्या करेंगे, ये जो नेट लॉस आया इसको हम अपनी कैपिटल से माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, लेस नेट लॉस 2500, टोटल पहुंचेगा 6,600। अब अगर बैलेंस शीट का हम टोटल करें बोथ साइड और ये इक्वल आ जाएगा तो हमारा सही होगा। हम लोगों ने टोटल किया 6,600 प्लस 1,400 इज इक्वल टू 8,000। ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल किया 3,500, 2,700, 1,500, 300 इज इक्वल टू 8,000, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर कीजिए। ओके, थैंक्स।